पहला मिस्टेक आपने किया, नो स्मार्ट थिंकिंग। सबसे पहला मिस्टेक आपने क्या कर लिया, कोई स्मार्ट थिंकिंग थी नहीं, कुछ नहीं सोचा, चलने दो, पापा की गवर्नमेंट जॉब लगी, मेरी भी लगेगी, पापा नेता मैं भी नेता, पापा किसान मैं भी किसान, ये भूल गए कि जो पापा होता है वो बच्चा नहीं बन पाता, उसको अलग कुछ करना पड़ता है, ज्यादा केसों में अलग करना होता। तो पहले गलती क्या किया, कोई थिंकिंग नहीं थी, तुमने थिंकिंग के नाम से क्या किया पता है, पापा रेलवे में जाते थे, आपने सोचा रेलवे तो मेरे बाप की है, मैं भी रेलवे में अगला एम्प्लॉय हूँ, ये सोचे ना, मेरी रेलवे में जॉब कहीं हो, मेरी बैंक में जॉब, तब अकल नहीं आई थी क्या कि बाप रेलवे में तो बेटा रेलवे में नहीं होता, बेटे को अपने लिए कुछ अलग करना पड़ता है, ठीक है। नंबर दूसरी गलती क्या किया, नो कंसल्टेशन, कोई कंसल्टेशन करना ही नहीं करियर के विषय में, आप ज्योतिष के पास जाते हो तो ये कुछ तो मेरी शादी कब होगी, मैंने जहां देखा अभी हाल ही में मैं भी गया था, मेरे साथ 22 साल का लड़का, मैंने उससे कैरियर पूछेगा सर शादी कब होगी, ज्योतिष ने पूछा बेटा करते क्या, बोलेगा सर करते तो है, तैयारी कर रहे गवर्नमेंट जॉब की, पापा गवर्नमेंट में है तो मेरा भी गवर्नमेंट हो ही जाना है, लड़की कब मिलेगी पापा ये जल्दी बताओ, 500 ने 1000 रुपए निकाल के दिए, जल्दी तो आए लोग, हाँ तो बहुत जल्दी आए हैं, ठीक है। तो सेकंड गलती क्या करती है, अपने आपने कंसल्टेशन नहीं किया क्या करना है आपको, गलती थी क्या, ज्योतिष थे लड़की और लड़के के बारे में पूछने के लिए जाना था, आपको किसी एक्सपर्ट से पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी कि मैंने सीए कर लिया तो मैं क्या पढ़ाई करूं, यहां से भेजना किसी को भेजना, मैंने सीए किया क्या पढ़ाई करूं, पूछना नहीं चाहिए था, थोड़ा बोलो तो भैया मैं बुड्ढों से बात नहीं कर रहा, पूछना चाहिए था, मैंने एमबीए किया तो किसी एमबीए के एक्सपर्ट से आपको मिलना नहीं चाहिए था, कैरियर नहीं पूछना चाहिए था, नए लाइन्स नहीं देखने चाहिए थे, तो कहा गई थी उसको सब चीजें, पापा से पूछा तो पापा से एक्सपीरियंस नहीं लिया, पापा से बोला पापा मेरी शादी कब कराओगे, गलत नहीं था, नो कंसल्टेशन, किसी बड़ी गलती लिखो यहां से यहां जा बैठो, नो टाइम मैनेजमेंट, तीसरी बात बड़ी गलती क्या कर दी, टाइम मैनेजमेंट कहा किए भाई, जवानी में जितनी टाइम मिली आप